मैनपुरी के इशरत अली को मिला राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए पूरे देश से 47 शिक्षक को चयनित किया गया था। गर्व की बात यह है कि 47 में से 3 शिक्षक उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक स्नेहिल पांडे अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक स्कूल उन्नाव, मोहम्मद इशरत अली प्राथमिक विद्यालय रजवाना और विकास कुमार सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर मुजफ्फरनगर शामिल हैं। शिक्षक दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। मैनपुरी के शिक्षक मोहम्मद इशरत अली राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार पाकर पूरे जिले का नाम रोशन किया। मोहम्मद इशरत अली को यह राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार बेहतर शिक्षण कार्य के लिए मिला। विकासखंड के प्राथमिक स्कूल रजवाना तैनात शिक्षक मोहम्मद इशरत अली पिछले कई सालों से बच्चों को तकनीकी शिक्षा के साथ ही बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी दे रहे हैं। शिक्षक इशरत अली को इससे शिक्षण कार्य के लिए वर्ष 2015 में उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार प्रदेश सरकार की ओर से दिया गया था। इसके बाद 2017, 2018 और 2019 में राज्य स्तरीय सूचना संप्रेषण तकनीकी कक्षा शिक्षण कार्य का राज्य स्तरीय पुरस्कार भी मिला। मैनपुरी के मेधावी शिक्षक मोहम्मद इशरत अली जी को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है, क्या कहना चाहेंगे सब तक? आज शिक्षक दिवस के अवसर पर इशरत अली जो रजवाना सुल्तानगंज में शिक्षक है उनको महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित किया गया है एक ऑनलाइन कार्यक्रम में। यह इशरत अली के लिए भी, जनपद के लिए भी और राज्य के लिए भी गौरव का विषय है। मुझे उम्मीद है कि जनपद के अन्य शिक्षक इशरत अली से प्रेरणा लेंगे तथा बेसिक शिक्षा विभाग में बेहतर कार्य करेंगे। आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं जनपद के सभी शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर, आज आपको जो ना राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और सम्मानित किया गया, सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप और क्या कहेंगे सरकार के लिए? सर, प्रथम तो मैं इस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अपने जनपदीय प्रशासनिक अधिकारीगण हैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा सम्मान है हमारे जिले के लिए और प्रदेश के लिए भी, जिसके लिए मैं अपने विद्यालय के बच्चों का भी आभार व्यक्त करता हूँ और मैं अपने माता पिता के साथ साथ सभी जितने भी मार्गदर्शक हैं हमारे उनको ये समर्पित करता हूँ। अच्छा सर, क्या आगे जो है ना और क्या प्रेरणा देंगे अन्य शिक्षकों को? जो निश्चित ही पुरस्कार एक नई जिम्मेदारी लेकर आते हैं, पुरस्कार हमारे जीवन में एक नई जिम्मेदारी लेकर आए हैं और निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय पुरस्कार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो हमारा कार्य क्षेत्र है उसमें हम पूरी लगन के साथ जिस तरीके से अभी तक काम करते चले आए हैं निश्चित ही तौर पर आगे भी करते रहेंगे और अन्य शिक्षकों के लिए भी प्रेरणा स्रोत काम करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए आप क्या कहेंगे? भारत सरकार को इस पुरस्कार के लिए स्वयं को चयनित करने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और साथ ही मैं अपने आदरणीय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय का विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय समय पर मुझे प्रोत्साहित किया और मार्गदर्शित किया, जिस प्रकार से मुझे विद्यालय पर अन्य सुविधाओं के तहत उन्होंने प्रोत्साहित किया, जिसके लिए मैं प्रोत्साहित हुआ और आगे चलकर इस पुरस्कार के लायक बन सका। सर, शिक्षक दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षक दिवस पर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ अपने साथियों को, अपने शिक्षक साथियों को, कि अपने कर्तव्य के प्रति अडग रहें। किसी पुरस्कार के लिए कभी किसी ऐसे पुरस्कार के लिए काम ना करें, बच्चों के लिए काम करें और शिक्षा के उत्थान के लिए काम करें। निश्चित रूप से पुरस्कार उस सेवा का ही प्रतिफल है।